इस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर। ऑनलाइन कक्षा देने वाला नौगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488-8569-88-9234-62-3333। न्यूज बुलेटिन में चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज तीसरा सवाल आपके सामने ये रहा। नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन है? ऑप्शन ए सुष्मिता सेन, बी हिमानी दास, सी कल्पना चावला या डी सुनीता विलियम्स। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ज्यादा और अधिक दिन तक सही जवाब देने वाले को जीएस न्यूज की तरफ से मिलेगा एक शानदार उपहार, साथ ही हम करेंगे उनके साथ एक इंटरव्यू खास मुलाकात। ट्रिपल आईटी ने बनाया एडवांस सॉफ्टवेयर, कोरोना के साथ साथ टीबी और निमोनिया भी बताएगा। भागलपुर ट्रिपल आईटी ने कोविड-19 की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर को विकसित किया है। अब इस सॉफ्टवेयर की मदद से कोरोना, टीबी, वायरल और बैक्टीरियल निमोनिया और सामान्य मरीजों का पता सेकंड में चल जाएगा। इससे न सिर्फ बीमारी का तेजी से पता चलेगा बल्कि इलाज भी जल्द शुरू हो जाएगा। ट्रिपल आईटी ने अपने नए सॉफ्टवेयर को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR को भेज दिया है। वहां से सहमति मिलते ही इसे अस्पतालों में लागू कराए जाने की योजना है। भागलपुर के JLNMCH में कोरोना के संदिग्ध मरीज की हुई मौत। पानीपत से लौटा था युवक। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती 18 वर्षीय युवक की शुक्रवार की सुबह 5:15 बजे मौत हो गई। युवक में कोरोना के लक्षण पाए गए थे, इसलिए उसे कोरोना का संदिग्ध मरीज मानकर सब से सैंपल निकालकर कोरोना जांच के लिए भेज दिया गया है। शनिवार को रिपोर्ट आ जाएगी। जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक सबको पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया है। देवघर में कांवर यात्रा और सावनी मेले पर रोक बरकरार, झारखंड हाईकोर्ट ने नहीं दी इजाजत। देवघर के बैद्यनाथ मंदिर और बौशकीनाथ में इस बार कांवर यात्रा और सावन मेले के आयोजन को झारखंड हाईकोर्ट ने इजाजत नहीं दी है। कोर्ट ने सरकार को लोगों की धार्मिक आस्था को देखते हुए इन मंदिरों में होने वाली पूजा का भक्तों को ऑनलाइन दर्शन कराने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह निर्देश दिया। इसके साथ ही याचिका निष्पादित कर दी। भागलपुर के कोपेश्वर नाथ मंदिर में रुद्राभिषेक का केबल पर होगा लाइव प्रसारण। भागलपुर शहर के कोतवाली चौक स्थित कोपेश्वर मंदिर में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ का 33 दिनों का रुद्राभिषेक शुरू हो रहा है। कांवर यज्ञ समिति इस बार शहर में केबल के माध्यम से रुद्राभिषेक का लाइव प्रसारण कराने की योजना बना रही है, ताकि घर बैठे लोग इस धार्मिक आयोजन का सहभागी बन सके। नवगछिया के 2 पुलिस के जवान कोरोना पॉजिटिव। नौगछिया में शुक्रवार को 2 लोगों को कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। संक्रमित हुए दोनों व्यक्ति नौगछिया थाने में पदस्थापित पुलिस के जवान हैं। दोनों मरीज के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा इलाज के लिए कोविड-19 सेंटर भेज दिया गया है। नौगछिया अनुमंडल अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि 2 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। दोनों व्यक्ति पुलिस के जवान हैं। दोनों को इलाज के लिए भागलपुर कोविड-19 सेंटर भेज दिया गया है। नवगछिया में खुलने लगे अनावश्यक दुकानें। नवगछिया में कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने के बाद हुई प्रशासनिक सख्ती के तीसरे दिन काफी ढिलाई रही। शुक्रवार को चाय पान की दुकानें, सिंगार प्रसादन की दुकानें, कपड़े की दुकानों के अलावा स्टेशन रोड में अनाधिकृत रूप से मांस हाट की दुकानें, फास्ट और जंक फूड की दुकानें भी खुली रही, जिस कारण बाजार में अपेक्षाकृत अत्यधिक भीड़ देखी गई। देर शाम स्टेशन रोड में भी अनाधिकृत रूप से चलाए जा रहे सब्जी मंडी में भी काफी भीड़ देखी गई। वहीं नौगछिया के कई बुद्धिजीवी ने कहा कि प्रशासन को एक्टिव होकर डोर टू डोर सैंपलिंग जांच करना चाहिए और कोरोना पर जल्द से जल्द नियंत्रण करना चाहिए, लेकिन नौगछिया में काफी कम जांच हो रहा है जिससे कोरोना रोगी का चयन बनता जा रहा है। जंजर सड़क के बनवाने को लेकर अनशन पर बैठे दियारावासी को कार्यपालक अभियंता ने जूस पिलाकर अनशनकारियों का तोड़वाया अनशन। डुमरिया तिनटेंगा जंजर मार्ग की खबर अखबार और मीडिया के माध्यम से आमरण अनशन की सूचना पर पहुंचे विभाग के कार्यपालक अभियंता SDO एवं गोपालपुर के CIA किशोर मिश्रा ने अनशनकारियों को जल्द सड़क निर्माण एवं मरम्मती का आश्वासन दिया। कार्यपालक अभियंता के आश्वासन के बाद अनशनकारियों ने गुरुवार से चल रहे अनिश्चितकालीन आमरण अनशन को तोड़ दिया है।
नवगछिया में राजद समर्थक 5 जुलाई को साइकिल यात्रा निकाल मनाएंगे स्थापना दिवस। आगामी 5 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल के 24वें स्थापना दिवस की तैयारी को लेकर नवगछिया के मकनपुर चौक स्थित आनंद निलय भवन में जिला महासचिव संजय मंडल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में महासचिव संजय मंडल ने कहा कि आगामी 5 जुलाई को दिन के 11 बजे प्रखंड से लेकर पंचायत के सभी कार्यकर्ता एवं समर्थक क्षेत्र में 5 किलोमीटर साइकिल से भ्रमण कर सरकार की गलत नीति का विरोध करेंगे। विक्रमशिला सेतु पर 48 लीटर शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। विक्रमशिला सेतु टीओपी के समीप शुक्रवार की दोपहर पुलिस ने एक बाइक पर सवार 2 शराब तस्कर को दबोच लिया। उसके पास से पुलिस ने 48 लीटर देसी शराब बरामद की है। शराब तस्करों की पहचान नौगछिया के रंगरा इलाके के तिनटेंगा सिमरिया निवासी बलराम मंडल और रवीश मंडल के रूप में की गई है। उनके पास से नई पल्सर बाइक भी मिली है। एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर के विरुद्ध बरारी चौकी में उत्पाद अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। गोपालपुर के प्रभारी एडीएम ने प्रखंड कार्यालय में विभागीय कार्यों का लिया लेखा जोखा। गोपालपुर प्रखंड के प्रभारी वरीय उप समाहर्ता मोहम्मद मोइजिया ने शुक्रवार को प्रखंड कार्यालय में विभागीय कार्यों का लेखा जोखा लेने के बाद प्रेस प्रतिनिधियों को बताया कि सीएम के 7 निश्चय योजना के तहत 27 वार्डों में नल जल योजना का कार्य पूरा होने की जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि नल जल योजना में बड़े पैमाने पर विभिन्न पंचायतों के ग्रामीणों से शिकायत मिल रही है। शिकायतों के आलोक में नल जल योजना की स्थानीय जाँच कर भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सूबे के कृषि मंत्री पीड़ित परिवार को दिया आर्थिक सहयोग। नारायणपुर प्रखंड के जयपुर चूहरपुर पंचायत के नारायणपुर स्टेशन के पास चक्रामी गांव के दंपति की दर्दनाक मौत सड़क हादसे में होने पर सूबे के कृषि मंत्री प्रेम कुमार पीड़ित परिवार के पुत्री सुमन सालिनी पुत्र शिवम आशीष से मिलकर संतावना दिया, साथ ही 10,000 रूपए का आर्थिक सहयोग भी किया। वही मौके पर महिला मोर्चा की भाजपा जिला अध्यक्ष सह जिला पार्षद कुमकुम देवी सहित कई अन्य उपस्थित थे। अब पैसा नहीं बनेगा पढ़ाई में बाधा। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना पढ़ना और खाना बिल्कुल फ्री। बीए, बीकॉम, बीएससी, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीबीए, बीसीए सहित नर्सिंग कोर्स में ले निःशुल्क नामांकन। हमारा पता है एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8285-9569-05-8873-9736। बैग चॉइस, बैग चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने पोदार गली नवगछिया। अमेरिकन टूरिस्टर, वीआईपी, फ्लाई, कैमिलियंट सहित सभी ब्रांड के ट्रॉली, सूटकेस बैग, स्कूल बैग, लेडीज पर्स सहित सभी प्रकार के बैग के लिए एक बार जरूर संपर्क करें। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल 8294-855-586। बैग है लेना तो बैग चॉइस ही है जाना। ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178 7325052437 पर। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। नारायणपुर बीएओ का विदाई से सम्मान समारोह आयोजित। नारायणपुर प्रखंड मुख्यालय के प्रखंड कृषि कार्यालय में शुक्रवार को बीएओ राजेश कुमार सिंह के स्थानांतरण होने पर कृषि सलाहकार एवं अन्य कर्मी द्वारा पुष्प गुच्छ, फूल माला व अंग वस्त्र से विदाई समारोह के तहत सम्मानित किया गया। बीएओ राजेश कुमार सिंह का तबादला पूर्णिया कमिश्नरी में बीज निरीक्षक के पद पर हुआ है। नारायणपुर के प्रखंड कृषि पदाधिकारी के लिए खरी के प्रखंड कृषि पदाधिकारी चितरंजन चौधरी को प्रभार मिला है। नारायणपुर में स्नातक पार्ट 2 के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी। नारायणपुर के जेपी कॉलेज नारायणपुर में बीए बीएससी स्नातक पार्ट 2 के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी किया गया। इसकी जानकारी देते हुए जेपी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजवंश यादव ने बताया कि 7 जुलाई से 13 जुलाई तक बीए बीएससी स्नातक पार्ट 2 का परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। इसके लिए कोरोना संक्रमण को देखते हुए सावधानी के लिए 8 काउंटर बनाया जाएगा। विभिन्न काउंटर पर सैनिटाइजर, हैंड वॉश छात्र और कॉलेज कर्मी के लिए रखा जाएगा। फॉर्म भरते समय शारीरिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जाएगा। नवगछिया के खरीक में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा के खिलाफ राजद कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का फूका पुतला। नवगछिया के खरीक में पेट्रोल और डीजल के मूल्य में लगातार हो रही बढ़ोतरी से बौखलाए राजद कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजमार्ग NH31 पर पीएम मोदी का पुतला फूका और सरकार विरोधी नारे लगाए। आयोजित पुतला दहन कार्यक्रम में राजद कार्यकर्ताओं ने
पीएम एवं सीएम का पुतला दहन कर अपने गुस्से का इजहार किया। पुतला दहन कार्यक्रम का नेतृत्व राजद प्रखंड अध्यक्ष सुबोध यादव ने किया। नवगछिया के टोल प्लाजा पर ट्रक चालक के साथ हुई मारपीट। नवगछिया थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा पर शुक्रवार की देर शाम टोल प्लाजा के कर्मी के द्वारा ट्रक चालक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। मारपीट की घटना के संदर्भ में पीड़ित ट्रक चालक ठाकुर गंगटी थाना क्षेत्र के मुरिहा निवासी संदा मंसूरी ने ट्रक मालिक को इसकी सूचना दी। ट्रक मालिक ने घटना की जानकारी नवगछिया एसपी एवं नवगछिया थाना अध्यक्ष को दी। पीड़ित चालक ने कहा कि टोल प्लाजा पर गाड़ी लगाने पर एक व्यक्ति द्वारा जबरन अधिक पैसा मांगने लगा। विरोध करने पर वह मारपीट करने लगा एवं मोबाइल भी छीन लिया।